श्री राजपूत करणी सेना अपने स्थापना के 12 साल पूरे करने के मौके पर 27 अक्टूबर को एक बड़ी रैली जयपुर में करने जा रही है, जिसकी तैयारियों के लिए सेना के संस्थापक अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कालवी झुंझुनू आए। कालवी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण आज तक न तो धारा 370 पर कुछ हो पाया और न ही राम मंदिर पर कोई सरकार निर्णय ले सकी, लेकिन अब इन मजबूरियों को तोड़ते हुए राजपूत समाज मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को जयपुर में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सेना 12 वर्ष की, 12 वर्ष में हमने क्या क्या किया वो एक अलग बात है। पिछले 2.5 साल में हर उस मुद्दे पर हमारी पार पड़ रही है, और अगर थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के तहत अगर कोई रुकावट है तो आरक्षण पर, मोहन भागवत कहते हैं समीक्षा कर दो, उनके नंबर 2 हैं भैया जी जोशी, वो भी कहते हैं समीक्षा कर दो, नंबर 3 है दत्तात्रेय होजबोले, वो भी कहते हैं समीक्षा कर दो, पर नतीजा ढाक के 3 पात, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी निर्णय में बाधक रही। सही में अभी सरकार सेडुल ट्राइब एक्ट के तौर पर एक दया फरमान राष्ट्र के नाम, राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, धारा 370 भी कोर्ट में पेंडिंग है, पद्मावत पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना, और उन बारों में उनके बारे में किसी सरकार ने कोई तरह का कोर्ट के बाहर जाकर कुछ फैसला लेने का हिम्मत नहीं करी।